जब फोर्स की बात आती है तो आ, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं कि मैं किस साइड में हूं कि मैं इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं या मैं फोर्स की तरफ से बात कर रहा हूं जी. तो आज भी ऐसे ही कुछ है आ, हमारे हीरोज जो रियल हीरोज है वो आए यहाँ पर स्टेज पर और आप सभी ने आ, आप सब सभी के साथ उन्होंने मुलाकात की लेकिन अब स्टेज पे मैं कुछ रियल हीरोज को बुलाना चाहूंगा क्योंकि बात हम कर रहे हैं मुंबई की मुंबई की स्पिरिट की तो ऐसी एक हीरो है जिन्हें मैं जानता हूं मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडनवीस मुंबई की स्पिरिट की बात हो रही है मैं भी मुंबई कर हूं मुंबई में पला बड़ा हूं पैदा हुआ हूं और ये मेरी जन्मभूमि भी है कर्म भूमि भी है और इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं और हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है मुंबई को लेकर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अपने प्रोफेशन को लेकर अपनी जर्नी को लेकर जिस तरह के लोगों से वो मिलते हैं उस तरह का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है लेकिन अगर हम आपकी बात करें तो मैं आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने हर तबके के लोगों को एड्रेस किया है इतने सालों से मुंबई के मुंबई की स्पिरिट को जिस तरह से आप जानते हैं शायद एक आम आदमी नहीं जानता होगा तो मैं आपसे जानना चाहूंगा मुंबई के बारे में थैंक यू रोहित जी जब हम मुंबई के स्पिरिट की बात करते हैं तो अगर हम उसको बिल्कुल थोड़े शब्दों में डिफाइन करना चाहे तो मुंबई न रुकती है न थकती है न झुकती है न डरती है दैट इज मुंबई मुंबई में हम लोगों ने अक्सर ये देखा है लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं और मुंबई सबके सपनों को पूरा करती है और मैं ऐसा मानता हूं कि आज का कार्यक्रम भी इसलिए खास है क्योंकि मुंबई वॉक्स में मुंबई कर फ्रॉम ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ विल वॉक और ये लोग हैं कि जो मुंबई को मुंबई बनाते हैं मुंबई कोई एक व्यक्ति रिप्रेजेंट नहीं करता मुंबई की सारी कम्युनिटीज़ मिलकर मुंबई बनती है मुंबई के फिशरमैन है मुंबई के डब्बे वाले हैं मुंबई के कुली हैं, मुंबई के माथाड़ी है मुंबई के मिल बलकर है मुंबई के चाल में रहने वाले वहाँ से लेकर मलबार हिल तक और मुंबई के बिजनेस कम्युनिटी से लेकर तो मुंबई के सितारों तक फिल्म इंडस्ट्री तक ये मुंबई सबकी मिलकर एक पहचान बनती है और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो मुंबई का स्पिरिट है जिसको समाप्त करने की कोशिश कई बार हुई लेकिन यह समाप्त नहीं हो सकता क्योंकि हम सब लोग मिलकर मुंबई है thank you so much, sir. Thank you, अटल जी की कविता है चूंकि अभी अटल जी के ऊपर मैंने फिल्म की है तो बहुत सारी उनकी कविताएं पढ़ी और पहले वो कविताएं मुझे पसंद थी अब उनकी कविताओं को कविताओं के प्यार में गिरफ्तार हो चुका हूं। तो वही सुनाऊंगा जो अभी हमने सम्मानित किया सभी उन लोगों को जो मुंबई को चलाते हैं सो हम मैं भी एक प्राउड मुंबईकर हूँ और बहुत सारे सपने लेके आया था और इस शहर ने दिए पूरे किए सो मैं बोलूँगा नहीं हम सीधे कविता पे आते हैं और एक इम्प्रोमटू एक एक्सपेरिमेंट है प्रयोग है राकेश सर और एक सर के साथ हम संगीत और पोइट्री को मिलाएंगे और कुछ रिहर्स हमने नहीं किया है तो जो होगा वो यहीं पे इम्प्रोमटू होगा होपफुली आप सबको मजा आए आनंद आए थैंक यू Mm hmm. ते हुए तारों से फूटे बासंती स्वर पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात प्राची में अरुणिन की रेख देख पाता हूं गीत नया गाता हूं गीत नया गाता हूं